दिक्कतों के लिए यार मेरे आईफोन का मुझे लग रहा है स्पीकर या माइक खराब हो चुका है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बिल्कुल सेफ होंगे। गाइस काफी टाइम से वेट कर रहे थे हम लोग की बारिश बंद हो जाए, लेकिन बारिश बंद तो नहीं हुई है, स्लो हो गई है। तो मैंने कहा जल्दी से सूट करके निकलते हैं, घर भी जाना है और भीग भी चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आगे से स्टार्ट करूंगा, फिर पीछे पे जाऊंगा, क्योंकि इससे आपको अच्छे से आइडिया हो पाएगा। और देखो लुक्स की बात करें तो लुक्स भाई आप लोग खुद डिसाइड कर लो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद है। मुझे तो भाई क्लियरली बताओ तो N160 ज़्यादा अच्छी लगती, क्योंकि मार्केट में न्यू है, इसकी जैसे कोई बाइक नहीं कह सकते हो। MT से थोड़ा बहुत मिलती जुलती है, बट ये मुझे MT से ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा ये मैच्योर लगती है, थोड़ा सा हैवी लगती है। सीट वगैरह भी इसकी उससे ज़्यादा अच्छी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने टायर से, और जो अपाचे का टायर है उसकी जो साइज है वो है आपकी 19/17। और पल्सर का जो टायर साइज है वो दिखाता हूँ आपको मैं, वो है 118/17। सो जो पल्सर का टायर है वो थोड़ा सा चौड़ा है अपाचे से, तो मुझे भी लगता है अपाचे को भी थोड़ा सा जो टायर साइज है ना उसे इंक्रीज करना चाहिए था, क्योंकि फ्रंट टायर यार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ग्रिपिंग के लिए। तो अपाचे भी अगर 118/17 दे देती तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता। सो गाइस फ्रंट से आप लोग एक चीज़ और देखो, जो अपाचे का शॉकर है ना वो थोड़ा सा पतला है, तो लुक में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, और पल्सर वाला चौड़ा है तो लुक में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और पल्सर वाले की जो साइज है शॉकर्स की फ्रंट वाले वो है 137 mm, जिसे देखो ये शॉक एब्जॉर्ब करने में तो मदद करेगा ही, लुक भी इन्हेंस करता है बाइक का, थोड़ा सा बिग बाइक फील देता है। अपाचे में कह सकते हो थोड़ा सा ड्रॉबैक है, ये अप्रॉक्स 110 या 112 mm का ही है। मुझे लगता है थोड़ा सा इन्हें बड़ा करना चाहिए था अपना शॉकर, थोड़ा सा और मोटा होता तो लुक भी और ज़्यादा इन्हेंस होता। और साथ ही में बात कर लेते हैं जो अपाचे की डिस्क प्लेट है, इसका जो साइज है वो है 270 mm, थोड़ा सा ये भी बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन चलो ठीक है, इससे भी काम चल सकता है। और ABS तो मिलता है ये साथ में आपको। और अब आपको पल्सर का बताता हूँ, जो इसकी डिस्क प्लेट की साइज़ है वो है 300 mm का। और देखो प्लेट का ही साइज़ मैटर नहीं करता, इसमें बहुत सारा चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी ट्यूनिंग कैसी हुई है, कैलिपर कैसा है, ब्रांड कैसा है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं वो आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, जब मैं पल्सर का कंपैरिजन करूंगा R115 से, उसका ब्रेक टेस्ट करना है मुझे, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं वो बाद में बताऊंगा आपको। और अब बात कर लेते हैं बाइक की हेडलाइट की, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी राइडर हैं रात को राइड वगैरह करते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपाचे में आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, ये मुझे काफ़ी बड़ा एक ड्रॉबैक लगा, लेकिन यहाँ पे आपको LED देखने को मिल जाएंगी वाइट कलर की, ये रात में दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है, उतनी ज़्यादा ब्राइट तो नहीं है लेकिन हाँ सुंदर लगती हैं। और जो इसका इंडिकेटर है वो भी नॉर्मल बल्ब वाले इंडिकेटर हैं, चलो वो तो पल्सर में भी वैसे ही आते हैं। अब एक बार आपको पल्सर की हेडलाइट दिखाता हूँ, हेडलाइट के साथ पल्सर का आगे से आप लोग लुक भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये मिलती है आपको यहाँ पे DRL, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, और साथ में इन्होंने दे दिया है LED प्रोजेक्टर। भाई इसकी ब्राइटनेस तो आप लोग देख ही चुके हो, और अगर आप लोगों ने हेडलाइट टेस्ट वाला वीडियो मेरा नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ जाके एक बार इसका हेडलाइट टेस्ट वाला वीडियो भी देखना। इसका भी जो इंडिकेटर है वो नॉर्मल आता है, LED देते तो ज़्यादा मज़ा आ जाता, लेकिन चलो ठीक है, दोनों में बल्ब वाले हैं, कोई उतनी दिक्कत नहीं है। आपको अगर चेंज कराना है तो आप बाहर से काम करवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो, ये कोई बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक नहीं कहूँगा मैं इसे, जिस प्राइस सेगमेंट में दोनों आती हैं ठीक है। और अब आते हैं इंजन पे भाई, जो कि बाइक की जान होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपाचे से। अपाचे में जो इंजन है वो है 159 cc का, साथ ही में इसमें आपको मिलेगा 15.31 BHP की पावर, साथ ही में 13.9 Nm का टॉर्क, और ये आता है 5-speed मैनुअल गियर के साथ। और जो इसकी सीट हाइट है वो है 790 mm, तो शॉर्ट टायर अगर राइडर्स इसे चलाएंगे तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सीट हाइट देखो पल्सर का और अपाचे में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। और बैक में आपको जो शॉकर मिलेगा ना वो दो शॉकर्स मिलते हैं जो साइड में आते हैं, इसमें मोनोशॉक नहीं आता है। मुझे तो ये भी देखो लुक इन्हेंस करते हैं, थोड़ा सा बाइक भरी भरी सी लगती है, तो ये मुझे अच्छे लगते हैं। और अब ले चलते हैं आपको पल्सर पे। उस पल्सर का जो इंजन है वो है आपका 164 cc का, इसमें जो पावर मिलेगी आपको वो मिलती है 15.68 BHP की, और जो टॉर्क है इसका 14.65 Nm का टॉर्क है। साथ ही में ये भी आपको 5-speed मैनुअल के साथ आती है, और जो बैक वाला इसका शॉकर है ये मोनो शॉक है, तो ये भी लुक में थोड़ा सा ये स्पोर्टी फील देता है, और जो अपाचे वाला था वो भरा भरा फील देता है। और जो पल्सर की सीट हाइट है वो है 795, तो सीट हाइट में देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। अपाचे में एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, किक
काफी लोग पूछते हैं भाई पल्सर में किक लग सकता है कि नहीं, तो भाई पल्सर में किक नहीं लग सकता है। और जो लोग कह रहे हैं किक लग सकता है समझ लो बेवकूफ बना रहे हैं, अगर किक लगता ना तो कंपनी ऑप्शन पे देती, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ना ये पूरा पैक है, यहाँ पे किक नहीं लग सकती है, देख लो ये पूरा पैक है। सो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यार, आप तो ज्यादातर बाइकों में किक नहीं आ रही है, और अगर आप अपाचे में दी है तो ये काफी अच्छी बात है। एक चीज और मैंने फ्रंट से मिस कर दी थी, वो है हॉर्न। अपाचे में आपको ड्यूअल हॉर्न देखने को मिलेगा, और हमारी पल्सर में तो पता ही है पल्सर वाले महान है, सिंगल हॉर्न दे रहे हैं। पहले 220 वगैरह में ड्यूअल हॉर्न आता था, मुझे लगता है भाई ड्यूअल हॉर्न देना चाहिए था, चलो कोई नहीं। और अब बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। जो पल्सर में आपको फ्यूल टैंक मिलेगा वो मिलता है आपको 14 लीटर्स का, अपाचे में मिलता है आपको 12 लीटर्स का। सो अब आपको स्पीडोमीटर पे लेके चलते हैं, पहले अपाचे का दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें आपको यहाँ पे फ्यूल बताएगा, टाइम बताएगा, किलोमीटर्स बताएगा, और ट्रिप भी आपका है यहाँ पे, और ये आपकी स्पीड बताएगा। इसे कहते हैं एनालॉग प्लस डिजिटल वाला। ये यहाँ पे जो निडल दे रखी है ना, जब बाइक भगाओ तो ये काफ़ी अच्छा लगता है जब ये ऊपर जाता है। बस यहाँ पे मुझे बस एक कमी लगी कि ये गियर पोजीशन वाला नहीं बताता है कि आपकी बाइक किस गियर में है। हो सकता है नई वाली में आ रहा हो, बट इसमें तो भाई नहीं है, अगर वो होता तो और मज़ा आ जाता। और अब ले चलते हैं आपको पल्सर N160 पे। इसको ऑन करता हूँ मैं, पहले ये पूरी निडल ऊपर जाती फिर वापस आती है। और इसमें जो आपको गियर बताएगा, टाइम बताएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी बताएगा, तो इसमें काफ़ी फीचर है। बहुत देखो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, जो मेन मुझे लगता है अगर वो गियर बताता तो काफ़ी अच्छा था। तो दोनों का सेम ही है यार, अब वो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है कि भाई आपको बहुत ही ज़्यादा फीचर चाहिए, तो मुझे तो इसी सेगमेंट की बाइक में ठीक लगता है। एक बार अपाचे और उसका आपको हैंडल भी दिखा देता हूँ। देखो अपाचे में जो आते हैं ये क्लिप ऑन आते हैं, तो भाई मेरे तो पर्सनल प्रेफरेंस है कि मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा कम्फर्टेबल लगते हैं। और पल्सर वाले जो है ये थोड़े से कह सकते हो स्पोर्टी दिया है, कंफर्टेबल देखो ये भी है नो डाउट, लेकिन भाई पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, मुझे अपाचे वाले ज़्यादा अच्छे लगे, ये थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल है लॉन्ग राइड के लिए। अपाचे में जो एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा वो आपको सिंगल बैरल वाला है, जो पहले भी यही आता था अपाचे में। और पल्सर में आपको देखने को मिलेगा अंडर वैली वाला। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई इसमें पानी चला जाएगा, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बना ली थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाओ और वो वाली भी वीडियो देखो। अब दोनों का आपको एक बार मैं साउंड सुनाता हूँ। सबसे पहले अपाचे को स्टार्ट करते हैं। ये अपाचे का आप लोग पहले इंजन का साउंड सुन लो, रेव नहीं करूँगा। इंजन साउंड तो मुझे ठीक लगा है, मुझे तो लग रहा है भाई जो 4V आती है ना उससे ज़्यादा अच्छा है इसके इंजन का साउंड है। और एग्जॉस्ट पे अब लेके चलते हैं, रैप करूँगा मैं। तो आपने इसका एग्जॉस्ट साउंड सुन लिया है, अब पल्सर पे लेके चलते हैं, पल्सर को ऑन करते हैं। पल्सर का इंजन साउंड सुन लो आप लोग सबसे पहले, खुद ही आप डिसाइड करना कि आपको कौन सा अच्छा लगा। और अब रैप करते हैं पल्सर को। अब बंद कर देते हैं पल्सर को। सो आप लोगों ने दोनों का साउंड सुन लिया है, आप खुद डिसाइड करो कि आपको किसका साउंड ज्यादा पसंद है। सो अब आ जाते हैं बाइक के बैक पे। और अपाचे में देखो आपको ऑप्शन मिलता है कि बैक में आपको डिस्क चाहिए या ड्रम चाहिए, तो इसकी जो ये भाई ने जो ली है ये है डुअल डिस्क वाला वेरिएंट। इसमें आपको जो बैक वाला मिलेगा डिस्क प्लेट का साइज वो है 130 mm का। और एक बार पल्सर का दिखाता हूँ आपको। पल्सर में जो बैक वाला डिस्क प्लेट है और इसकी जो साइज है वो है 220 mm की। गैस बारिश फिर से तेज हो गई है तो जल्दी से आपको और चीजें बता के खत्म करता हूँ इस वीडियो को। बैक वाले पे टायर पे आ जाते हैं हम लोग। पल्सर में जो आपको बैक वाला टायर का साइज मिलेगा वो एक बार दिखा देता हूँ आपको, वैसे तो मुझे पता ही है लेकिन एक बार आप लोग भी देख लो, आई होप दिख रहा हूँ। बैक का जो टायर साइज है वो है 130/70/17। और अपाचे में ये चीज़ है मुझे काफ़ी बेकार लगती है, जो इसका टायर साइज है ना ये देखो 110/80/17। भाई एटलीस्ट 120 तो देना ही चाहिए था, देखो इससे आपको बैलेंसिंग में भी मदद मिलती है, और थोड़ा सा ये अगर चौड़ा होता तो अपाचे का लुक और इन्हेंस करता। और एक बार पल्सर वाला देख लो, ये उससे चौड़ा है। बैक में आपको दोनों में जो टेल लाइट है वो LED देखने को मिलेगी, इंडिकेटर दोनों के नॉर्मल बल्ब वाले ही आते हैं, तो मुझे लगता है इस
प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। तो गाइस एक बुरी खबर है आप लोग के लिए यार, मेरे आईफोन का मुझे लग रहा है स्पीकर या माइक खराब हो चुका है, तो क्या ही बोलूँ मैं। चलो वीडियो को एंड करते हैं भाई। तो दोनों ही बाइकों को मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दिए, हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो गई हो क्योंकि बारिश हो रही है, भीग चुका हूँ, आप लोग भी देख रहे हो काफ़ी लेट हो रहा है। तो जो चीज़ें अगर मैंने मिस की हैं, कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट करना, मैं हर एक का रिप्लाई दूंगा। अब आते हैं प्राइस जो कि मेन है। तो जो पल्सर N160 डुअल चैनल ABS वाले का प्राइस है वो है 1.54 लाख ऑन रोड, और जो अपाचे 162B का प्राइस है वो है अप्रॉक्स 1,44,000 का। हो सकता है भाई आपके सिटी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है कि प्राइस कम या ज़्यादा हो, क्योंकि RTO वगैरह और इंश्योरेंस की भी चीज़ें अलग अलग होती हैं। और एक बार हम लोग ड्रैग रेस करेंगे, बस थोड़ा सा बाइक में कुछ एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसका साइड वाला सॉकर लीक है, तो जैसे ही वो सही हो जाएगा तो ड्रैग रेस भी लेके आऊँगा मैं आप सभी के लिए, क्योंकि इसका जो वेट है 137 का है और इसका जो वेट है वो आपको पता ही है 154 kg का है। तो हो सकता है कि टक्कर अच्छी हो जाए, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी पावर कम मिलती है लेकिन वेट का एडवांटेज है, इसमें आपको हल्की सी पावर ज़्यादा मिलती है लेकिन वेट का डिसएडवांटेज है। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और भाई मेहनत तो देख ही रहे हो मेरी। तो वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यार, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।